गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हम हमारे सेकंड चैप्टर पढ़े थे, उसमें देखिए आगे एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नाउन एज नगरम ऑल्सो परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि व्यापारियों का एक संगठन जो कि नगरम के नाम से जाना जाता था, वो समय समय पर कुछ प्रशासनिक कार्य है जो कस्बे के अंदर करता रहता था। इंक्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरमेरू इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट, यानी जो इंक्रिप्शंस उत्तरमेरू प्राप्त हुए हैं जो चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट है उससे तमिलनाडु के अंदर, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द मैनर इन विच द सभा वाज ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि इनसे जो डिटेल प्राप्त हुई है उससे हमें यह पता चलता है कि सभा का आयोजन किया जाता था। द सभा हैड सेपरेट कमेटीज टू लुक आफ्टर इरीगेशन वर्क्स गार्डन्स टेम्पल्स ETC। यानी जो सभा है वो एक अलग से सेपरेट समिति होती थी जो देखभाल करती थी, जैसे सिंचाई संबंधी कार्य हैं, गार्डन वगैरह हैं, मंदिर वगैरह हैं, इनकी देखभाल करती थी। नेम ऑफ दोज हु वर एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ दो दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकेट्स ऑन पाम लीफ एंड प्रिजर्व्ड इन एन अर्थन वेयर पॉट फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू पिक द टिकेट्स इन रैंडम मैनर वन बाय वन फॉर ईच कमेटी। यानी कि उन लोगों के नाम लिखती थी जो उस कमेटी के अंदर योग्य होते थे। ऑन स्मॉल टिकट्स ऑन पाम लीफ, यानी कि एक छोटी सी पाम की पत्तियां होती थी उसके ऊपर, एंड प्रिजर्व्ड इन अर्थन पॉट, और इस एक अर्थन पॉट के अंदर इसको सुरक्षित रखते थे। फ्रॉम विच ए यंग बॉय वाज आस्क्ड टू पिक द टिकट्स इन रैंडम मैनर। यानी कि एक यंग बॉय होता था, वो उसके अंदर से पोर्ट के अंदर से कोई भी टिकट उठाने के लिए कहता था, वन बाई वन फॉर ईच कमेटी। यानी कमेटी के प्रत्येक सदस्य के द्वारा एक एक करके उस अर्थन पोर्ट के अंदर से जो टिकट है वो चूज करते थे। द उत्तरामेरूर इंक्रिप्शंस थ्रोज लाइट ऑन द वर्किंग ऑफ ए सभा। यानी कि उत्तरामेरूर के जो अभिलेख हैं वो सभा के कार्यों को दर्शाते हैं। पहला है इसमें, ऑल दोज हु विश टू बिकम मेंबर्स ऑफ सभा शुड बी ओनर्स ऑफ लैंड फ्रॉम विच वी लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। यानी कि जो भी सदस्य सभा का सदस्य बनना चाहता था वो ज़मीन का मालिक होना चाहिए, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू भूमि का जो कर होता है उसको इकट्ठा करना होता था। दे शुड हैव दियर ओवन होम्स, उसका स्वयं का घर होना चाहिए। दे शुड बी बिटवीन 35 एंड 70 ईयर्स ऑफ एज, उसकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दे शुड हैव एलाबोरेट नॉलेज ऑफ द वेदाज, यानी कि उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए। दे शुड बी प्रोफिशिएंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ऑनेस्ट, यानी कि जो भी प्रशासनिक मामले होते हैं उनके प्रति ईमानदार होना चाहिए। इफ़ एनी वन हैज़ बीन ए मेम्बर ऑफ एनी कमेटी इन द लास्ट थ्री ईयर्स, ही कैन नॉट बिकम ए मेम्बर ऑफ अनदर कमेटी। यानी कोई भी सदस्य जो इन समितियों का सदस्य रहा हो पिछले 3 वर्षों से, तो वह दूसरी समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं बन सकता था। एनी वन हु हैड नॉट सबमिटेड हिज अकाउंट्स एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। यानी कि कोई व्यक्ति जो अपने अकाउंट्स के अंदर, यानी कि जो भी अपने इनके जो टैक्स वगैरह बकाए होते थे उनको जमा नहीं करवा पाता था, एज वेल एज दोज ऑफ हिज रिलेटिव्स, या फिर उनके कोई रिलेटिव्स हैं, तो वह चुनाव प्रतियोगिता के अंदर भाग नहीं ले सकता था। सभा एंड पुर, द सभा असिस्टेड द किंग्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन द मेजरमेंट ऑफ लैंड विच वाज अंडर कल्टीवेशन इन कैलकुलेटिंग द पेबल टैक्स एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी जो सभा होती थी वो राजा के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, विच वाज अंडर कल्टीवेशन, जो कि इसके प्रशासनिक अधिकारियों के नियंत्रण में होती थी, इन कैलकुलेटिंग द पेबल टैक्स, यानी जो टैक्स पे किया जाता था उसको कैलकुलेट करते थे, द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, और भूमि कर को इकट्ठा करते थे। द टैक्स कलेक्टेड वाज देन सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कर इकट्ठा होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाया जाता था। टैक्सेज वर पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन काइंड ग्रेन्स, यानी कि जो टैक्स होता था वो कैश के रूप में भी चुका सकते थे या फिर अनाज के रूप में भी चुका सकते थे। द सभा ऑल्सो परफॉर्म्ड द फंक्शंस ऑफ
सेटलिंग डिस्प्यूट्स एसोसिएटेड विद लैंड वाटर एंड इरीगेशन, यानी जो सभा होती थी उसके अंदर विभिन्न प्रकार के विवाद जैसे कि भूमि पानी और सिंचाई संबंधी जो विवाद होते थे उनको सुलझाया जाता था। इट ऑल्सो मेंटेन रोड्स वाटर टैंक्स एंड टेम्पल्स, यानी इनके अंदर सड़क पानी के जो टैंक्स हैं मंदिर हैं इनका रख रखाव किया जाता था। इट्स जस्टिस कमेटी ऑल्सो इम्पोज्ड फाइन्स पनिश्ड द क्रिमिनल्स एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस, यानी इनकी जो न्याय समिति होती थी उनके अंदर फाइन वगैरह या फिर जिसको सज़ा देनी होती अपराधियों को डिस्पेंस जस्टिस और न्याय करते थे। द कैपिटल तंजोवर वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ग्रेनरी ऑफ द साउथ थ्रोट ए डैम बिल्ट क्रॉस द कावेरी रिवर, यानी इनकी जो राजधानी तंजोर है उसको ट्रांसफॉर्म किया गया ग्रेनरी ऑफ द साउथ दक्षिण का अन्नागार घोषित किया गया थ्रू ए डैम बिल्ट अक्रॉस द कावेरी रिवर, कावेरी नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया। द नेटवर्क ऑफ इरीगेशन प्रोजेक्ट बिल्ट बाय द चोला रूलर फैसिलिटेटेड इरीगेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि सिंचाई परियोजना का एक जाल बिछाया गया जिसके अंदर चोल शासकों ने सिंचाई परियोजना के विस्तार की काफ़ी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई।